वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। नेम ऑफ द चैप्टर इज बाइनरी अरिथमेटिक एंड लॉजिक गेट्स। ओके, तो आज का हमारा सेशन है बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हम लोगों ने इसके पहले सेशंस में देखा है कि बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर को, डेसिमल का बेस क्या होता है, बाइनरी का बेस क्या होता है। ओके, और अब हम लोग देखेंगे कि बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो इसमें कुछ रूल्स होते हैं। बाइनरी एडिशन मतलब इसको हम लोग बाइनरी नंबर्स को जोड़ना, और सब्ट्रैक्शन मतलब आपको पता है हम लोग कैसे करके उसमें से कम करते हैं, कोई भी नंबर से कोई नंबर को कम करने के लिए हम लोग सब्ट्रैक्शन यूज करते हैं। ओके, तो ये कुछ रूल्स हैं बाइनरी एडिशन। देखिए, बाइनरी मतलब क्या, जीरो एंड वन से ही सिर्फ ये नंबर होगा, तो इसीलिए जीरो प्लस जीरो जीरो ही होगा, कैरी जीरो होगा। फिर जीरो प्लस वन सम क्या होगा, वन ही होगा, कैरी भी जीरो होगा। ठीक है, वन प्लस जीरो वन होगा, कैरी जीरो होगा। और वन प्लस वन एक्चुअली हम लोगों का डेसिमल में क्या होता है, यस वन प्लस वन टू होता है, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग टू नहीं लिख सकते है ना, क्योंकि ये बाइनरी है, या तो हम लोग को जीरो लिखना है या तो वन लिखना है। तो टू का जो बाइनरी नंबर होता है वो टेन होता है, इसलिए यहाँ पे जीरो आएगा और फिर कैरी आएगा वन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किया हुआ है, वन प्लस वन जीरो, फिर जाएगा वन कैरी, वन प्लस वन अगेन जीरो आएगा, फिर वन कैरी, फिर वन प्लस जीरो वन, फिर मैं करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे वन प्लस वन जीरो, वन कैरी, फिर वन प्लस वन जीरो, ओके वन कैरी, फिर वन प्लस जीरो वन प्लस जीरो वन, फिर जीरो प्लस वन वन, ये जीरो ही आएगा, फिर ये जीरो आएगा, देन अगेन वन प्लस वन कितना आएगा, टेन। तो हम लोग जीरो यहाँ पे रखेंगे, वन कैरी देंगे, वन प्लस जीरो वन, फिर वन। ओके, तो ऐसे करके इसका आंसर आ जाता है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे अगेन जीरो प्लस जीरो जीरो ही है, वन प्लस वन जीरो, फिर ये जो वन है वो कैरी है, फिर अगेन वन प्लस वन जीरो, फिर ये वन जो है वो कैरी है, फिर यहाँ पे वन ही आएगा, फिर यहाँ पे कैरी आएगा। ओके, फिर हम लोग वन प्लस वन जीरो यानी टेन, प्लस वन इलेवन, तो वन यहाँ पे और अगेन वन कैरी। ओके, फिर वन प्लस वन जीरो मतलब टेन, और टेन प्लस वन इलेवन, तो यहाँ पे और एक कैरी है ये, और ऐसे करके यहाँ पे ये आंसर आ जाता है। ओके, यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंटेशन करके दिखाया है, वन प्लस जीरो, देखिए यहाँ पे ऐसे कैरी चला जाता है, जैसे हम लोग नॉर्मल एडिशन में हम लोग के करते हैं वैसे ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है वो एडिशन कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपको थोड़ा टाइम मिलेगा, आप अपने आप ट्राई करिए। ठीक है, वन 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 अगेन वन जीरो वन, ओके, फिर वन जीरो वन जीरो वन। ठीक है, आपको इसका एडिशन करना है। ओके, मैं कुछ देर वेट करती हूँ, आप खुद का खुद अपने आप ट्राई करिए इसको करने का। ओके, अब मैं बताती हूँ, वन प्लस वन क्या है, टेन मतलब जीरो, और कैरी क्या आएगा, वन, राइट, फिर
यहाँ पे एडिशन आएगा 1, फिर 1 प्लस 1 0 अगेन, फिर यहाँ पे 1 कैरी, फिर 1 प्लस 1 0, फिर यहाँ पे 1 कैरी अगेन। अब यहाँ पे अच्छे से देखिए, 1 प्लस 1 10, प्लस 1 11 राइट, फिर 1 कैरी और 1 प्लस 1 10। तो हम लोगों का आंसर क्या आया, 101 0010। ओके, अब सपोज अगर आपको बोला कि ये जो नंबर है 1915, ठीक है, तो इसका हम लोगों को एडिशन करना, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो 19 है पहले इसको हम लोगों को सॉल्व कर लेना पड़ेगा, या फिर इसको हम लोगों को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 are 9, 2 8 are not 2 8 are wait, यहाँ पे हम लोग करते हैं फिर से 19, 2 2 9 are 18, 1 कैरी, फिर 2 4 are 8, 1 कैरी अगेन, 2 2 are 4, 0 कैरी, देन 2 1 are 2, नॉट कैरी, रिमाइंडर। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इसका कन्वर्शन किया, तो हम लोगों का बाइनरी आंसर आया 1 0 0 1 1। ओके, तो ये हम लोगों का क्या है, बाइनरी आंसर। ऑल राइट, और हम लोगों ने देखा था 15, तो 15 को हम लोग फिर से करेंगे 2 से डिवाइड, 2 7 are 14, 1 रिमाइंडर, देन 2 3 are 6, 1 रिमाइंडर, देन 2 1 are 2, 1 रिमाइंडर। तो इसका क्या आंसर आया, 1 1 1 1। ओके, ऑलराइट, अब हम लोगों को क्या करना है, ये दोनों का एडिशन करना है। ऑलराइट, तो हम लोग एडिशन करेंगे, तो हम लोगों का जो आंसर था 1 0 0 1 1, प्लस हम लोगों को क्या करना है, 1 1 1 1, तो ये हम लोगों का हो गया क्या नंबर, 19, और ये हम लोगों का हो गया 15। ओके, अब इसका हम लोगों को एडिशन करना है। ऑलराइट, तो 1 प्लस 1 10, 1 कैरी, 1 प्लस 1 10, प्लस 1 11, 1 कैरी, 1 प्लस 0 1, प्लस 1 10, 1 कैरी, देन अगेन 10, 1 कैरी, देन दिस वन। तो आंसर आ गया हम लोगों का 1 0 0 1 0। ओके, तो इस तरीके से हम लोग एडिशन कर सकते हैं। ऑलराइट, अब है बाइनरी सब्ट्रैक्शन। तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन में भी 0 0 तो कॉमन ही है, समझ में आएगा, 0 माइनस 0, फिर है 0 माइनस 1। अब 0 से 1 जब माइनस करते हैं तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, 10 लेते हैं, राइट, बोरोवर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा 1 और बोरो होगा 1। 1 माइनस 0 तो 1 आएगा, 0 बोरोवर कुछ नहीं आएगा, और यहाँ पे भी 1 माइनस 1 0 0 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस 0 1, फिर 1 माइनस 1 0 0, फिर 1 माइनस 0 1। ओके, इस तरीके से यहाँ पे 1 माइनस 1 0। अब यहाँ पे देखिए 0 माइनस 1 क्या है, 1 है, राइट,
इस तरफ हम लोगों को लेना पड़ेगा बोरोअर, फिर यहाँ पे हो जाएगा 10, मतलब 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 1 माइनस 1, 10 माइनस 1, अगेन यहाँ पे हम लोग 0 हो जाएगा, तो फिर बोरोअर लेना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 1 किया और फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। ऑल राइट, अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। ओके, जैसे 1 0 0 1 1 माइनस 1 1 1। ओके, अब इसमें देखिए 1 माइनस 1 0, फिर 1 माइनस 1 0। अब हम लोग को यहाँ पे 0 माइनस 1 में क्या है, रूल में लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे बोरोअर आएगा, राइट। फिर हम लोग बोरोअर यहाँ से लिए तो यहाँ पे तो 0 है, तो फिर हम लोगों को इसको भी बोरोअर लेना पड़ेगा, ऑल राइट, यहाँ से, राइट। तो इस तरीके से बोरोअर लिया, यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे 0 आया, तो हम लोगों का आंसर आ गया 0 1 1 0 0, राइट। तो इस तरीके से हम लोग सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। ओके, तो यही हम लोगों ने आज सीखा, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन के रूल्स हम लोगों को याद रखने हैं, और हम लोग जैसे नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्रॉस चेक करते हैं, वैसे यहाँ पे भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।